सेंटर रहेगा। ओके सर, सबसे पहले आपका नाम? आर्यन चोपड़ा। अरे बात करें मूवी के बारे में, क्या कहना चाहें, किस तरह की मूवी है और इसमें आपके किरदार को लेकर? मैंने इस मूवी में एक नेगेटिव लीड प्ले किया है। ये मूवी दोस्ती के ऊपर है, लेकिन पुराने टाइम में दोस्ती की परिभाषा कुछ अलग ही थी, और अब वो जय वीरू टाइप की दोस्ती नहीं है। इस मूवी में जो मेरा रोल है, मैंने एक नेगेटिव किरदार के साथ में एक डील की है अपने दोस्त से। वो मेरे पास मदद मांगने के लिए आता है, तो मैं उसे कहता हूँ, हाँ मैं जो दोस्त तेरी ज़रूर मदद करूँगा, पर तुझे मेरे लिए एक डील करनी होगी। तो वो डील थी खून की डील। और बाकी इस मूवी में और भी बाकी लोगों ने भी बहुत अच्छा अपना अपना रोल प्ले किया है, और बाकी तो आप मूवी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कौन-कौन आपके साथ में है? मेरे साथ नॉन फेस में मुसाक खान जी हैं, एहसान खान जी हैं, देव मल्होत्रा जी हैं, काफ़ी सीनियर लोग ने हमारे साथ काम किया है। हमारे डायरेक्टर संदीप कुमार जी थे, और हमारे क्रू में जुबेर खान, सोनिया बाजवा, सोनी झा, पिंटाली, भावना और दो तीन लोग और भी थे। ये आखिरी सौदा है, ये एक डील है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि इसमें एक डील की गई है, एक खून की डील हुई है, तो इसका इसीलिए टाइटल है आखिरी सौदा। ये मेरी डेब्यू मूवी है, इससे पहले मैंने सावधान इंडिया एंड एपिसोडिक सीरियल लीड किए हैं। क्या उम्मीद है आपको? मुझे तो इस फिल्म से बहुत उम्मीद है, और देखिए अब बाकी तो ऑडियंस ही जज कर सकते हैं, हम तो अपने आप को बता नहीं सकते, वो आप ही लोग जस्टिफाई अच्छे से कर पाओगे जब मूवी देखोगे। थैंक यू।